लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, रोज सुबह जरूर करें ये 5 एक्सरसाइज, घुटनों के दर्द से मिलेगी राहत। तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन की घंटी बजा देनी है, जिससे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आज के समय में घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ती ही जा रही है। पुराने जमाने में घुटनों में दर्द सिर्फ बुजुर्ग लोगों को होता था, लेकिन आज के जमाने में लाइफस्टाइल, खानपान और हैवी एक्सरसाइज ज्यादा करने की वजह से कम उम्र के लोगों को भी घुटनों में दर्द की समस्या हो रही है। कुछ मामलों में बढ़ते वजन, मांसपेशियों की कमजोरी और गलत तरीके से उठने बैठने में ये वजह से घुटनों के दर्द की समस्या होती है। घुटने में दर्द की वजह से लोगों की रोजमर्रा लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और इसकी वजह से चलना तक मुश्किल हो जाता है। घुटनों के दर्द से लोग रोजाना कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें तो इससे दर्द से राहत मिल सकता है। घुटनों के दर्द में राहत पाने में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? घुटनों में दर्द होने का कारण क्या है और इससे राहत पाने के लिए कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए, इसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। तो पहला रीजन हो सकता है चोट लगना, दूसरा रीजन हो सकता है सूजन, तीसरा रीजन है जोड़ों का खराब होना, चौथा रीजन गठिया, पांचवा रीजन जोड़ों का अव्यवस्थित होना, छठा रीजन गलत मुद्रा, सातवा रीजन गलत एक्सरसाइज, आठवा रीजन फटा हुआ लिंगामेंट, नौवा रीजन स्ट्रेचिंग ज्यादा करना, वार्मअप या कूलिंग डाउन ना करना, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी। घुटनों में दर्द से राहत पाने के लिए करें ये एक्सरसाइज। पहला, स्ट्रेच एंड होल्ड। रोजाना सुबह उठने के बाद पैरों के स्ट्रेच एंड होल्ड एक्सरसाइज करने से घुटनों में राहत मिलती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। अब पैरों को ऊपर वाले हिस्से को सीधा करें, फिर थोड़ी देर रुकें, फिर पैरों को स्ट्रेच एंड होल्ड करने की प्रक्रिया 10 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज को करने से कुछ ही दिनों में आपको घुटने में दर्द राहत मिलेगी। दूसरा, अप एंड डाउन। घुटनों को अप एंड डाउन करने से दर्द से राहत मिल सकती है। इसके लिए आप दोनों को फैलाकर बैठ जाएं, बाद में ये घुटनों के नीचे हाथ रखें और घुटने को ऊपर उठा करके अप एंड डाउन एक्सरसाइज करें। तीसरा, तलवों के सहारे चलें। घुटनों के तलवों के सहारे चलने से घुटनों की तनाव कम किया जा सकता है, जिससे घुटने के दर्द की राहत मिलेगी। रोजाना 5 से 7 मिनट तलवों के सहारे चलने से घुटने की समस्या कम हो सकती है। योग आप करते हैं तो एक और है, टो कर्ल करने से घुटने का तनाव कम होता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। ये एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को सीधा फैलाकर बैठ जाएं और पैरों के तलवों को आगे पीछे घुमाएं। लंजेस करने से घुटनों के दर्द की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके लिए एक कदम आगे बढ़ें, फिर दूसरा पैर पीछे की ओर ले जाएं और फिर दोनों हाथों से 90 डिग्री पर झुक जाएं। खुद पूरी तरह से नीचे झुकें और घुटनों पर आ जाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।